हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, मैं आई एम इन द कार। तो गेस कर ही लिया होगा कि कोई तो ट्रिप वाला व्लॉग होगा या फिर मैं कहीं बाहर जा रही होंगी। तो बिल्कुल बराबर, मैं जा रही हूँ एक छोटे से ट्रिप के लिए। बहुत टाइम हो गया था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो वी वर वेरी बिजी, तो कहीं बाहर जाना हुआ नहीं। तो सोचा कि अभी एक छोटी सी ट्रिप कर ले, लाइक फ्राइडे सैटरडे और संडे को वापस। तो हमने ये ट्रिप अभी स्टार्ट की है, आज है फ्राइडे, तो एट 4:30 को वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम आर हाउस। और जिस जगह पे जा रहे हैं वो यहाँ से है टू एंड हाफ आवर्स पे ही है, लेकिन अभी ऑब्वियसली आज फ्राइडे है तो थोड़ी ट्रैफिक इन बिटवीन हमें मिल रही है, तो वो 3 आवर्स हो गए हैं। पर एक बहुत अच्छी जगह है, एक नई जगह मैं विजिट कर रही हूँ जिसका नाम है बिग बेयर लेक। जो जहाँ पे मैं रहती हूँ सैन डिएगो, वहाँ से वो 2.5 आवर्स के डिस्टेंस पे है। बहुत ब्यूटीफुल है, जस्ट लाइक अ नेशनल पार्क है। और बिग बेयर लेक मतलब यस लेक इसलिए है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लेक्स भी है, लेकिन बहुत सुंदर है। एक्चुअली वो जगह फेमस है स्कीइंग के लिए वगैरह, वहाँ पे विंटर्स में स्नो होता है तो यहाँ के लोग स्नो देखने जाते हैं, बिकॉज कैलिफोर्निया वाले लोगों को स्नो देखने नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे स्नो होती नहीं है विंटर में। तो वो बेसिकली वो जगह स्कीइंग के लिए वगैरह फेमस है, यहाँ पे लोगों को स्कीइंग करना बहुत पसंद है तो स्नो में जाता है। बट इवन समर्स में भी वो जगह बहुत ब्यूटीफुल है, जस्ट लाइक अ नेशनल पार्क। तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और बहुत टाइम से कोई ट्रिप भी नहीं हुई थी, तो आप लोग भी मेरे साथ बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं। और अभी हम लोग गैस स्टेशन पे है, जैसे कि आपको पता है कोई भी ट्रिप पे जाते हैं तो बिफोर इज गैस भरना बहुत ज़रूरी है। सो गैस स्टेशन पे रुके थे तो मेरे को लगा कि मैं वहीं से व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करेंगे 2 डेज बिग बेयर लेक पे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है पीक आवर्स का कैलिफोर्निया का ट्रैफिक। हाय गाइस, दिस इज नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना अच्छा वेदर है और अच्छी अच्छी धूप निकली हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं जो विंडो है वहाँ से ही अपना वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अब और एक और चीज़ आप देख सकते हैं, स्वेटर पहना हुआ है, हुडी पहनी हुई है क्योंकि हाई एलिवेशन पे है, इसके लिए ठंड तो लगेगी ही, तो एटलीस्ट एक हुडी बहुत ज़रूरी है तो वो पहन लिया है। और यहाँ पे कोई भी सीज़न में आओ ठंड तो मिलेगी ही, स्नो में आओगे तो बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी, और अगर समर में आओगे तो अच्छा वेदर होगा, बट एटलीस्ट छोटा सा जैकेट कैरी करना बहुत ज़रूरी है। सो आज का डे का जो पहला डेस्टिनेशन है वो है, हम ज़ू जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा ज़ू है, हम लोग यहाँ से पहले ही आके, हमने जब इटनरी बनाई थी तो तभी देखा था कि बहुत अच्छी रेटिंग थी, बहुत अच्छा ज़ू है। और उसका टाइमिंग है 10 to 4, तो हम लोग ऑन टाइम है, अभी 9 ही बजे, तो अभी फटाफट से निकलेंगे। और 10 o'clock का ओपन हो रहा है, इसके लिए अभी थोड़ा ये जो हमारे कैबिन के आसपास बहुत अच्छा लेक है वो एरिया एक्सप्लोर करेंगे, 1 घंटा मिलता है हमें, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हाफ एन आवर घूम के उसके बाद हम ज़ू जाएंगे। और ज़ू की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के जो नेटिव एनिमल्स है वो सारे उस ज़ू में है, आपको प्रॉपर जो सिटी में ज़ू मिलता है वैसा नहीं मिलेगा यहाँ पे, पर यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे, विच इज़ रियली गुड। तो आज का सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर डे 1, तो चलिए चलते हैं। एक और चीज़ है, यहाँ के लैम्स देखिए कितने यूनिक है, एकदम नेचुरल ऐसे लग रहा है, बस सब कुछ नीचे का ऐसे लग रहा है वुड से बनाया हुआ है, वुड से नहीं है, दे आर जस्ट गिवन द लुक लाइक दैट। और नेशनल पार्क है तो ड्राइंग भी बिल्कुल वैसा ही दिया है, लॉन्ग ट्रीज एंड बेयर, बिल्कुल वैसा ही बनाया हुआ है, मुझे बहुत क्यूट लगा ये लैम्प। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, कल जब हमने चेक इन किया था तो यहाँ का जो ऑफिस है उन लोगों ने हमें एक स्पाइस जार दिया था, देखिए कितना क्यूट है, क्योंकि ये कैबिन्स है तो यहाँ पे किचन वगैरह भी है, तो ये आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसे ही दे देते वो लोग, लेकिन मुझे बहुत क्यूट लगा वो, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग, क्योंकि ऐसा मैंने देखा नहीं कहीं, बहुत सारे होटल्स में हम लोग रहे कैब, बट ये ऐसा स्पाइस जार कोई देता है ऐसा देखा नहीं, बट दिस वॉज सो क्यूट, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है सारे कैबिन्स वहाँ पे,
तो इसी तरीके के बहुत सारे केबिन्स हैं उनके, तो हर एक के लिए स्पेशल पार्किंग है. और मोस्टली इस साइड के जो केबिन्स हैं सबको लेक व्यू है, तो बहुत अच्छे लगे हमें ये केबिन्स. और पूरे के पूरे वुड के हैं और बहुत नेचुरल फीलिंग आती है वहाँ पे. तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है बिग बेयर लेक, लाइक हमारे कैबिन के जस्ट ऑपोजिट में है. जो यहाँ पे आप बहुत बड़ा लेक है, और लाइक इट्स नॉट छोटू सा, बहुत बड़ा लेक है. तो यहाँ पे आप वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, कायकिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है डे टाइम में, बड़े बड़े से लॉन्ग ट्रीज एंड उसमें ये सुंदर सा लेक. और स्नो में आई थिंक ये पूरा फ्रीज़ हो जाता है, तो समर में अगर आपको लेक देखना है प्रॉपरली तो आई थिंक समर इज़ अ गुड सीज़न. बहुत सुंदर है, बहुत शांत है, और आप देख सकते हैं सराउंडिंग में बर्ड्स की वो क्रीपिंग, वो आवाज़, यू नो, कितना नेचुरल, जो हमें आजकल ये हसल बसल लाइफ में दिखा सुनाई भी नहीं देती है. तो यहाँ पे आने के बाद वो सब नेचुरल चीज़ें जो है वो दिखाई देती है और अच्छा लगता है. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And so, आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं ये है Big Bear Discovery Center. तो यहाँ पे आपको मैप्स मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको यहाँ पे क्या क्या कवर अप करना है. आप यहाँ से अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन्स आपको यहाँ से मिलेंगी. जो भी आपका डाउट्स होंगे, हाइकिंग करनी है या कोई भी प्लेस विजिट करनी है, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन्स मिल जाएंगी. तो विच इज़ रियली गुड. तो हम यहीं पर आए हैं, यहाँ से मैप्स लेंगे, यहाँ से अपना ट्रिप बनाएंगे कि कहाँ कहाँ जाना है. यहाँ से कोई भी अगर आपको डाउट है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन्स ये लोग प्रोवाइड कर देंगे. तो सो दिस इज़ वेरी गुड. और आप पीछे देख सकते हैं बेर है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग ट्रीज है तो बेर होंगे, बट ये है, ये सिर्फ बेर का पुतला है, बेर नहीं है. Thank you.
आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दिस इज द हाइकिंग ट्रेल जिसका नाम है कैस्टल रॉक। तो अभी यहीं से शुरू करते हैं हमारी हाइकिंग। और जू हमारा पूरा हो गया है, बहुत छोटा सा जू था तो लाइक एक घंटे में पूरा हो गया। तो अभी ये बहुत अच्छी हाइकिंग हमने देखी है, बहुत अच्छी चीज़ें देखने के लिए है, सीनिक व्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले हाइक को। तो देखिए ये हमारा हाइकिंग राउट था और कितना रफ है, बट बहुत अच्छा लगा, लाइक फुल ऑन नेचुरल और एडवेंचर लगा यहाँ पे हाइक करने में। और जब आप ऊपर पहुँच जाते हैं फाइनल डेस्टिनेशन पे हाइकिंग के बाद, तो आपको ये वाला व्यू दिखता है। तो उसके बाद ऐसा लगता है कि आप जितना भी आपने वॉकिंग किया है वो सब कुछ वर्थ था। देखिए कितना सुंदर व्यू है, ऊपर से आपको पूरा लेक देखने को मिलता है। ये वाला जो सीन है तो थोड़ा सा चलना तो बनता है। कैस्टल रॉक का जो हाइक था वो पूरा हो गया है और अभी हम लोग नीचे पार्किंग पे पहुंच गए हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा हाई एलिवेशन पे है, ऑब्वियसली स्टोन्स है, लाइक प्रॉपर रोड नहीं है, स्मूथ वाला स्टोन्स है और बहुत टॉप पे है, तो थोड़ी थकान तो हो गई, बट आई थिंक इट वॉज वर्थ। ऊपर जाके जो व्यू मिला अमेजिंग। और इतना कोई बड़ा हाइक नहीं है, 2 miles राउंड ट्रिप है तो विच इज़ रियली गुड, इतना बड़ा नहीं है तो अच्छा लगा। इतनी दूर आए हैं और वॉकिंग नहीं किया, हाइकिंग मज़ा ही क्या, क्या कर सकते, दूसरा क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, इट वॉज वर्थ। लेकिन अभी जो मेरे लेग्स पेन हो रहे हैं, बट कोई नहीं, ऊपर जाके बहुत अच्छा सीन दिखा तो अच्छा लगा। तो अभी नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो हम लोग एक पार्क में जा रहे हैं यहाँ से 5 minutes पे, वो भी बहुत सुंदर पिकनिक पार्क, पिकनिक स्पॉट बोलते हैं उसे, तो बहुत अच्छा पार्क है। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। Drifting on the ocean, sometimes I pass by an island, but there's nothing there for me. I move on as the wind blows, hoping to wash up on that shore, and the sand will hold me. Blue, the water and sky, reflection in my eye, and it's true. So true that my life is a seashell, is a seashell. विजिबल है आपको, मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये है वो पार्क और उसके सामने एक बहुत ब्यूटीफुल सा लेक है और बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे करने के लिए। आप देख सकते हैं लोग कायाकिंग कर रहे हैं, आपको ये कायाकिंग रेंटल मिल जाता है यहाँ पे, बहुत सारे इनके शॉप्स हैं जहाँ पे रेंटल कायाकिंग मिल जाते हैं आपको। आप 2-3 hours कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है उतना आप रेंट कर सकते हैं और इस तरीके से आप कायाक घुमा सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे थोड़ी सी धूप है बट अच्छा लग रहा है, ठंडा नहीं लग रहा है इसके लिए, सो जैकेट सब निकाल दिया हुआ है तो अच्छा लग रहा है। चीज़ है, अभी हम लोग काउंटर पे गए थे जस्ट इंक्वायरी करने के लिए कि टिकट्स वगैरह कितनी है ऊपर जाने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए। तो उन्होंने हमें कहा कि 4 o'clock को ये जो स्नो समिट है वो बंद हो जाएगा एंड इट्स नाउ 3:30, तो डजन मेक सेंस कि आधे घंटे में फटाफट से आप घूम भी नहीं पाओगे अच्छे से। तो इसके लिए वो लोग ने ही सजेस्ट किया कि अगर आप कल हो तो कल थोड़ा सा जल्दी आओगे तो और इन्जॉय कर सकते हो, अभी भाग भाग के एंजॉय करके देर इज़ नो पॉइंट। तो हमने डिसाइड किया कि कल चेकआउट करके सबसे पहले इसी स्पॉट पे आ जाएंगे।
अच्छे देख रहे हैं मेरे, तो यहाँ से आपको चलना है, जस्ट वॉकिंग करना है और ये सुंदर सा व्यू आपको साइड में दिखाई देगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल है, लॉन्ग ट्रीज फॉरेस्ट और छोटा सा लेक है, तो यूं ही ऐसे चलना है। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ वहाँ बैठ के, तो यही है बस वॉकिंग करना है, तो दूर तक है वॉक करके फिर से राउंड ट्रिप मार के वापस। तो यही है बोर्ड वॉक, बट बहुत सुंदर व्यू है साइड में देखने के लिए, तो चलिए उसे एंजॉय करते हैं। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on and on. We'll go through the wastelands, through the highways, and on. डायरेक्टली यहाँ से हम विलेज में जा रहे हैं मार्केट में, तो वहाँ देखते क्या है, तो शॉपिंग है कुछ अच्छी होगी तो करेंगे, नहीं तो घूमेंगे, दैट्स इट। तो चलिए सबसे पहले वहीं चलते हैं। Drifting on the ocean, sometimes I pass by an island, but there's nothing there for me. I move on as the wind blows, hoping to wash up on that shore, and the sand will hold me. Blue, the water and sky, reflection in my eye, and it's true, so true, that my life is a seashine. अच्छी से लाइक 8 बजने को आ रहे हैं, बहुत अच्छा था आई मस्ट से। विलेज, द विलेज जो है मार्केट है यहाँ का, बेसिकली मार्केट ही बोल सकते हैं, मार्केट एरिया बहुत अच्छा है, बहुत हैपनिंग बोल सकती हूँ मैं यहाँ की, जैसे हमारे सिटीज़ में होता है, तो बहुत हैपनिंग है और शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे, आइसक्रीम्स वगैरह, आइसक्रीम पार्लर्स बहुत सारे हैं, तो बहुत कुछ है करने जैसा यहाँ पे। और यहीं पे मार्केट प्लेस पे बहुत सारी भीड़ देखी मैंने सबसे ज़्यादा यहीं पे, तो बहुत अच्छा था, मज़ा आया, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की। आई विल सजेस्ट कि दिस इज़ अ मस्ट, मतलब यहाँ पे ज़रूर सबने आना चाहिए, सच्ची में बहुत अच्छी जगह है, वीकेंड के लिए भी या 2 डेज़ आना है, 4 डेज़ आना है, हर चीज़ के लिए अच्छी जगह है, कितनी नेचुरल एयर है, अच्छा अच्छा फॉरेस्ट है, तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल एंड माई टुडेज़ वीडियो डे वन, बट गाइज स्टे ट्यून, अभी तक ट्रिप पूरी नहीं हुई है हमारी, कल का दिन भी हमारा बचा हुआ है, तो डे टू का भी बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है, सो स्टे ट्यून। और आप लोगों को दोनों दिन के भी वीडियोज़ देखने हैं, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बिल्कुल मिस नहीं करना। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।